हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बिहार दरोगा पीटी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स। क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और विज्ञान से। करेंट अफेयर्स के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। आज हम इन सारे सब जीके और जीएस को इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पढ़ना तो आप लोगों को ज़्यादा है, लेकिन अभी इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बाय द वे, पढ़ना वही है जो होमवर्क सीरीज में चल रहा है, ठीक है? ये आपके मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाने में हेल्प करेगा। इससे एक एक क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इतिहास में प्राचीन भारत को देखते हैं। तो प्राचीन भारत इतिहास में आपको देखना है, पढ़ना है अच्छे से हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में आपको याद रखना है महत्वपूर्ण स्थल एवं प्राप्त अवशेष, और उनके किस नदी के तट पर था ये भी आप याद करेंगे, ठीक है? फिर हम आते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है मौर्य वंश, गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म, इतना आप करेंगे। फिर देखेंगे राजवंश के संस्थापक एवं उनकी राजधानियां और महत्वपूर्ण विदेशी यात्रे। अब आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखें तो उसमें आपको जैन धर्म से फर्स्ट शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए थे, वो आप देख लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, और एक क्वेश्चन और था कि कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तीसरे और 23वें दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ठीक है? फिर आप कर लेंगे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कौन कौन आए और किसके काल में आए, राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानियां देख लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो प्राचीन भारत में आप इतना कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद आप हम आते हैं मध्यकालीन भारत पे। तो मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, वंशों में इतना पढ़ना है। अब हम ये देखते हैं कि गुलाम वंश में किससे किसे पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। तो गुलाम वंश में आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिस और बलबन। खिलजी वंश में आप अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से पढ़ लेंगे। और बाय द वे, आप प्रथम और अंतिम तो देख ही लेंगे कि इसका संस्थापक कौन था और अंतिम कौन था। फिर तुगलक वंश में आप करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मुगल वंश में आप कर लेंगे बाबर, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर। बाबर का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, चार, जो जैसे कि पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये आप देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और महत्वपूर्ण संधियाँ। इसे देखने के बाद आप देख लेंगे भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया मध्यकालीन भारत से। इसके आगे अब आते हैं हम तो देखेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, वो दरोगा हो या BPSC हो, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है आधुनिक भारत। तो उसमें आप देखेंगे गवर्नर जनरल, वायसराय, इन दोनों गवर्नर जनरल और वायसराय, उनके कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। फिर आप देख लेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण निर्णय, घटना और अध्यक्ष। फिर आप देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1857 का विद्रोह। इससे भी लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के विद्रोह से। देखिए 1857 का विद्रोह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। आप डिफेंस का तो कोई भी एग्जाम ले, जैसे पिछले बार पूछा था बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मैं कल जो वीडियो बनाई थी होमवर्क के सीरीज में, तो उसमें बताई थी कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे कि बिहार से या अलग अलग जगह से कौन किसने किसे नेतृत्व किया था, ठीक है? फिर आप देखेंगे क्रांतिकारी संगठन। इसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर
फिर देखेंगे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पे इतिहास आपका ख़त्म होता है। अब हम आते हैं भूगोल पे। तो भूगोल में हम पहले देखेंगे भारत का भूगोल और उसके बाद हम देखेंगे विश्व का भूगोल। देखिए पहले देखा तो इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि इतिहास है तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा पानीपत का युद्ध, मुगल, गांधी, जैन धर्म तो बताई हूँ, उसके बाद आप याद कर लेंगे महाजनपद कुछ, जालियांवाला बाग, दादा भाई नौरोजी, सिख युद्ध, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, टीपू सुल्तान। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक्स से आते हैं, महत्वपूर्ण हैं, और वो जो और बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसे भी आप पढ़ेंगे ही। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये बताई हूँ तो उसे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, भूगोल में भारत का भूगोल, जिसमें आपको पढ़ना है भारत की भौतिक संरचना, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के द्वीप समूह। फिर आप देखेंगे अपवाह तंत्र, जिसमें आपको करना है नदी, उद्गम स्थान, सहायता नदी और बांध। ठीक है, फिर हम देखेंगे खनिज, जैसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, महत्वपूर्ण उद्योग एवं उनकी अवस्था। कृषि में फसलें प्रकार, उत्पादक राज्य देखेंगे। इसमें आप और भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि जैसे भारत और विश्व दोनों के मिक्सअप में आप देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला, वायुमंडल, भूकंप, पवन, अभयारण्य, पर्वत शिखर, झील, हिम नदी, बांध, परियोजना, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं मिक्सअप में, भारत और विश्व दोनों में। ठीक है, अब हम देखते हैं विश्व का भूगोल, जिसमें आप देखेंगे सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, चट्टान के प्रकार, स्थलाकृतियाँ, इसमें स्थलाकृतियाँ में आपको पढ़ने को मिल जाएगा पर्वत, पहाड़ और मैदान, पठार और मैदान, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थिति, महासागरीय धाराएं, प्रकृति, अवस्थिति, खनिज, प्रमुख उत्पादक देश और देश मुद्रा एवं राजधानी। तो भारत और विश्व के भूगोल में इतना आपको करना है। बाय द वे जो मिक्सअप है, जैसे कि पर्वत शिखर, मिट्टी, हिमालय, नृत्य शैली, नदी, ये सारी चीज़ें तो आपको करना ही है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं राष्ट्रीय। देखिए अर्थशास्त्र ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो आप करंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे अर्थशास्त्र में। राष्ट्रीय आय, भारत में आर्थिक नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति, लोक वित्त, बजट, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इतना आप इसमें देख लेंगे। इसके बाद हम जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी में लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा। रंगनाधिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है वो बताना है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी, राष्ट्रीय उद्यान से सवाल है। तो फिर है सियाचिन हिम नदी स्थित है कहाँ पर, तो क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, तो वहाँ से आप लास्ट का क्वेश्चन देखें और खुद से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हो गया, अब हम आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब देख लेते हैं पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राज व्यवस्था में तो इसमें आप पहले तो कर लेंगे महत्वपूर्ण अधिनियम, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, 1833, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935, ये महत्वपूर्ण हैं। इस साल क्या हुआ, कब वायसराय बने, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी, ये आप देख लेंगे। इसके बाद आप करेंगे संविधान का निर्माण पूरा पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट में आता है नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान। इसके बाद आप देख लेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग।
और सबसे इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन अधिनियम, और साथ ही साथ आप भाग देखेंगे कि किस भाग में क्या है और किस देश से क्या लिया गया है भारत के संविधान में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटी के। जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन था भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, किस चीज़ की शक्ति देता है अनुच्छेद 123, वो क्वेश्चन था। भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचित कौन करता है, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त किए जाते हैं, ये क्वेश्चन था। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, जो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका कवरअप हो जाएगा एग्ज़ाम में भी। ठीक है, अब हम आते हैं पर्यावरण पे। तो पर्यावरण में आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पर्यावरण संरक्षण में संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं समझौते, जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं सम्मेलन, पर्यावरण प्रदूषण, महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड और ऊर्जा प्रवाह, ये ठीक है। इसके बाद जैसे कि इसके बाद हम अब आते हैं साइंस के टॉपिक पर। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो इन सभी में ना सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस सब्जेक्ट पे करना है, तो याद रखें कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस बायो पे करना है। बायो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर इसका मतलब रासायनिक नाम टाइप में ही क्वेश्चन पूछता है, तो वो आप अच्छे से देख लेंगे। बाय द वे चलते हैं आज के टॉपिक्स पे। तो जीव विज्ञान में आज आपको पढ़ना है कोशिका, कोशिका के अंग एवं उनके कार्य। इसके बाद आप करेंगे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र में आप करेंगे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। फिर आप पादप में करेंगे उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन। फिर आप देखेंगे विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन में रासायनिक नाम, कमी और अधिकता से होने वाले रोग देख लेंगे। फिर देखेंगे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और रक्त भी आप देख लेंगे, ब्लड कितने होते हैं, AB और O, सर्वदाता, सर्वग्राही, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम आते हैं रसायन विज्ञान पे, जिसमें आपको करना है परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, धातु, महत्वपूर्ण धातु एवं उसके अयस्क, धातुओं का सक्रियता श्रेणी, ये कर लेंगे। फिर देखेंगे आप मिश्र धातु एवं उनके घटक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, कांच, रंग एवं मिश्रित पदार्थ और उपयोग, ये इसमें आप देख लेंगे। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, जो है भौतिक विज्ञान। इसमें आपको पढ़ना है तरंग, गति एवं ध्वनि, फिर देखेंगे प्रकाश, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, महत्वपूर्ण मात्रक, उष्मा, विद्युत, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ये आपका भौतिक विज्ञान हो गया। तो साइंस का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के साइंस से। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। फिर आप देख लेते हैं वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो ये सारा क्वेश्चन रहा, दो और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से देखेंगे और सेट वो उस साल का क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो। फिर क्वेश्चन एक था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें इथेनॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बायो में था हरी शैवाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब इतना पता चल गया होगा कि हाँ किस सब्जेक्ट से आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे बायो में आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, प्रजनन तंत्र, फूल, शैवाल, टीवी, कैंसर, एड्स, भ्रूण, ये सारी चीज़ें पढ़ना है।
फिजिक्स में आप याद कर लेंगे। एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, दाब, धातु, अधातु, न्यूटन के नियम, विद्युत, प्रकीर्णन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी भौतिक विज्ञान में। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो होमवर्क सीरीज चल ही रहा है आप लोगों का, आप देखिए होमवर्क सीरीज करते रहिए, जो 24 आवर्स का होमवर्क आपको मिल रहा है, अब आप इसमें से मैच करें कि कौन सा टॉपिक आज के होमवर्क में है। जो टॉपिक दिया हुआ है उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ें, एक बार नहीं दिन भर में 5 से 7 बार पढ़ें। अगर कोई टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो अगर आप उस टॉपिक को 5 से 6 बार देखेंगे ना, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप कभी भी उस बात को भूल नहीं सकते हैं, उस टॉपिक को कभी भूल नहीं सकते हैं क्या था उसमें। ठीक है, आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।